Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. पर पड़ी याद का गोला है, ये नखट है ये भोला है, पर पड़ी याद का गोला है। He's naughty, he's cutie, he's बड़ी फायर का गोला। He's naughty, he's cutie, he's बड़ी फायर का गोला रे। हे छुटंकी 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 दौड़ा रे। हे छुटंकी 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 दौड़ा रे। He's cutie, he's बड़ी फायर का गोला। He's naughty, he's cutie, he's बड़ी फायर का गोला रे। Hey छुटंकी, छुटंकी, छुटंकी दौड़ा रे। Hey छुटंकी, छुटंकी, छुटंकी दौड़ा रे। Hey छुटंकी, छुटंकी, छुटंकी दौड़ा रे। Hey छुटंकी, छुटंकी, hey छुटंकी दौड़ा रे। ये दुनिया भी न जाने क्या क्या खेल दिखाती है। शायद इस नन्हे से बच्चे का यही चेहरा उसकी इस हालत का कारण बन गया, या हो सकता है कोई इस बच्चे को चुराकर उसके माँ बाप या परिवार से अपना बदला चुका रहा है। जो भी हो, भुगतना तो इस नन्ही सी जान को ही पड़ रहा है। हे भगवान, अब इस बच्चे का क्या होगा? कौन देगा इस मासूम को सहारा इस जालिम दुनिया में? कहीं कहीं ये नन्ही सी जान नहीं। नहीं। तो हनुमान भक्त बालगुरु अखंड देव हैं, जो इसी मंदिर के नजदीक अदृश्य होकर हनुमान साधना में लीन रहते हैं। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। लगता है इस बच्चे की सहायता के लिए आपने ही अपने प्रिय भक्त को यहाँ आने का संकेत दिया है। सच कहा है किसी ने, जिसका कोई नहीं उसका भगवान ही सहारा है। मेरे छुटंकी, तो तू भी मेरी तरह ही हनुमान भक्त है। यह दुनिया समझती नहीं है, जिस बच्चे में बाहर से कुछ कमी दिखती है उसमें अवश्य ही कोई बहुत बड़ा गुण भी होता है, जो बाकी लोगों से बहुत अधिक होता है। जय हो बजरंगबली। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को मैं तुम्हारा गुरु बनकर निखारूंगा, ताकि तुम अपने आप को इस दुनिया में असहाय ना समझो। देखो छुटंकी, मैंने गुरु बनकर तुमको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मेरी सिखाई हुई शिक्षा का अपने आप अभ्यास किया करो। ठीक है गुरुजी? जैसा आप ठीक समझे, आप तो मेरे गुरु हो। मतलब आज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप मुझको ना अपना आशीर्वाद दे दो बस। हाँ जी ठीक है, ठीक है। शाबाश। क्या बात। चलो और जोर लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या? मैं हूं ना, इधर आओ। इसको ये ऐसे कंधे पर और इधर से पकड़ के ए, ए, ये ठीक है। क्यों आया मजा? नहीं फिर इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो ये तुम? चलो अब दौड़ लगाओ, दौड़ो। करो जाओ जाओ जल्दी। बस क्या हुआ छुटंकी, अभी से थक गए? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आप ही का शिष्य और हनुमान जी का भगत हूँ, इतनी जल्दी नहीं थकने वाला। हाँ जी मुझे ये चाहिए, लो लो। भाई छुटंकी, अब कुछ मेरी चहेती खेल भी होनी चाहिए। हाँ क्या कहते हो, शुरू करें? गुरुजी आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर आप गुरु हैं, आप जैसा चाहे वैसा होगा। इधर आओ। मजा आया? गुरु जी के पैर पकड़ लो ना और वो उठो उठो उठो। शाबाश शाबाश, इधर आओ। ये कौन आ रहा है भाई? ए हीरो, क्या अकेले अकेले भाग दौड़ कर रहा है? मेरे साथ रेस लगा के देखना, ऐसा एक्शन दिखाएगा तू भी क्या याद करेगा बच्चों। हाँ? क्या बोलता है? अच्छा, लगता है तेरे को अपनी चार टांगों पर कुछ ज्यादा कमांड हो गया है। आजा फिर, रोटी खाने से पहले तुझे ही देख लेता हूँ, नहीं तो बाद में कहेगा कि छुटंकी ने रोटी शोटी खा ली थी इसलिए जीत गया है। ए छुटंकी यार, रोटी के नाम पर इमोशनल मत कर यार। अभी चालू करे क्या? अबे रुक, मुझे भी तो आने दे। ये तो गलत बात है। अभ्यास छुटंकी का हो रहा है या इस बेचारे सींगधारी का? अरे इसको 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 अचानक इतनी पावर कहाँ से आ गई? कहीं गुरुजी ने तो शाना बन रहा है, हैं? मुझसे जीतेगा, मुझसे जीतेगा, हैं? हैं? सुनता नहीं तुझे, हाँ, ज़्यादा जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ना तो अजीब सी पावर आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं सारे जंगल पहाड़ बिना थके ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगा मालूम, लेकिन बाद में सारी हवा निकल जाती है। ओ कोई बात नहीं यार वारा सिंगे, अभी तू ना घर जाके राम राम गाल ले, फिर कल मिलते हैं, हैं? कोई बात नहीं, चल कल। अरे शरीर का अगर यही चल रहा ना तो शायद महीने बाद ही मिल पाएंगे, और वो भी श्योर नहीं है भाई। अब इच तो बजरंगबली कोई शक्ति दे तभी कुछ हो सकता है। अरे यार इधर कोई ना कोई चमत्कार तो होता ही रहता है। इससे पहले कि कुछ उल्टा हो जाए, इससे पहले चल चल पतली गली से कल्टी मार ले डियर वारा सिंगे। छुटंकी, आज मेरे साथ तुम्हारे अभ्यास का आखिरी दिन था। आज के बाद तुम अपने आप अभ्यास करोगे ताकि तुम मुझ पर निर्भर ना रहो। वैसे भी अब तुम अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हो। ओ गुरुजी, तो क्या आप मुझको छोड़ देंगे? हैं जी, मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे बुद्धू, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ क्या? जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन हाँ अभ्यास के समय तो बिल्कुल नहीं। अपने ऊपर भरोसा करो, वही मनुष्यों की सबसे बड़ी शक्ति है, समझे छुटंकी? गुरुजी आपकी ना ये बात मुझे समझ नहीं आती है, ऑल ऑफ सडन गायब हो जाते हो। हाँ जी, किधर गए आप जी? चलो इनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा लेता हूँ। हद हो गई। क्या हुआ टकले बाबा, कोई टेंशन है? अगर टेंशन है तो मैं आपकी हेड मसाज कर दूं। शट अप सुरीली। टकलू छुटके चूजे, जानता हूं तेरे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं और तू कोई साधारण सामान्य बच्चा नहीं है। इसीलिए मैंने उस रात आज से 8 साल पहले तेरे बचपन को यहीं पर कैद करके रख लिया और उससे कई सारे पावरफुल क्लोन्स भी बना लिए। जब तक तू मेरी कैद में है, मैं तेरे शरीर से पावर्स लेकर जितने चाहे क्लोन्स बना सकता हूं। लेकिन अफसोस, उसमें जान डालने के लिए मुझे तेरे आज के शरीर की भी आवश्यकता है। आखिर कब तक छुपेगा तू? मेरे लोग तेरे वास्तविक शरीर को ढूंढ निकालेंगे, फिर मुझे और मेरी इस क्लोन फोर्स को कोई भी तबाही करने से नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। चिंता मत करो टकला बाबा, वो दिन भी जल्द ही आएगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है, उसका शरीर मैं तुम्हारे पास खुद लेकर आऊंगी। ये तुम्हारी सुरीली का वादा है तुमसे। टेंशन मत लो ना। कैसे ना लूं टेंशन? अरे इस क्लोन फोर्स को बनाने का मेरा सपना पिछले कितने सालों से अधूरा पड़ा है। आज तक तो कोई भी इसके असली शरीर को नहीं ढूंढ पाया है। पता नहीं इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ओह, मिल जाएगा बाबा, मिल जाएगा। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे भी तुम्हारी कामयाबी देखने का शौक है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। और तुम मेरी बाहों में। अब क्या करो, थोड़ा डर तो होगा ही, लेकिन जैसे ही तुम्हारा असली शरीर मिल जाएगा, मैं तुम्हें इस दर्द और इस दुनिया से भी छुटकारा दे दूंगा। मगर तब तक ये सूरज और चंदा कहां मर गए? हाँ? सूरज, सूरज, चंदा, चंदा, सूरज, चंदा, सूरज। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो, पता नहीं क्या बोलेंगे। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? टकला बाबा कब से तुम्हें पुकार रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ना उस रात में बच्चे को तुम्हारे माँ बाप की निगरानी में छोड़ता और ना वो उसे लेकर भाग पाते। उसके लिए तो हमने पहले क्षमा मांग ली थी ना टकला बाबा। लेकिन अब अगर तुमसे कोई गलती हुई तो क्षमा के लायक भी नहीं रहोगे। हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं, उसका ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। चलो। अबे भाग के कहाँ जाएगा? नहीं छोड़ूंगा तुझे। आजा मोटे ड्रैगन, मुझे पकड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं। रुक। नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, मुसीबत की बातें आ गई। उठाकर मार। ये कर। छोड़ना नहीं इसको। पकड़, पकड़। भागो। जा तुझे बुला पकड़ उसे जय हो बजरंगबली, जय हो। अब देखता हूँ इनको। ये चुटंकी का फाइनल होने से पहले पहले ही हमारी वाट लग जाती है। पता नहीं है क्या इस जगह में। पता नहीं। अगली बार नहीं छोड़ूंगा इसको, मार डालूंगा इसे, मार। हर बार ऐसे ही कहता तू, हर बार मार खाते हैं। हनुमान जी के टेंपल की घंटी, यानी कि बालगुरु अखंड देव जी मुझसे मिलने आए हैं। अब तो मजा आ जाएगा मेरे को तो, बाय गॉड से ऐसी। ओ गुरुजी, 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 अरे गुरुजी हैं कहाँ आप? गुरुजी अंदर जाके देखता हूँ जरा। कमाल है, घंटियां भी बज रही हैं, हनुमान जी की मूर्ति में ग्लो भी हो रहा है, पर गुरु अखंड देव जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। हैं जी? चुटंकी, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? ओ तेरी की गुरुजी आप, बाय गॉड से मैं तो डर ही गया था। देखो तक तक हो रही है कितनी जोर से। है जी? खैर अब मेरा प्रणाम स्वीकार करके मुझे ना अपना आशीर्वाद दे दो बस। और बताओ मेरे चुटंकी पहलवान, मेरी सहायता के बिना कैसा चल रहा है? ओ गुरुजी पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। आपके जाने के बाद ना कुछ राक्षस नुमा सांडों ने यहाँ के जानवरों की हालत बदली कर दी थी। लेकिन मैं भी आपका चेला हूँ, भिड़ गया उससे। अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। वैसे तो मैं उसे अकेला ही टैकल कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी वो अपने राक्षसों की बड़ी हाईटेक फौज ले आता है, तो जरा भारी पड़ जाता है। लेकिन अब आप आ गए हो ना, कोई टेंशन नहीं है मेरे को अब। है जी? अच्छा मेरे चुटंकी, मुझे खुशी है कि तुम असहाय जानवरों का साथ दे रहे हो। लेकिन बेटा अब समय आ गया है तुम्हारी असली परीक्षा का, तो क्या तैयार हो तुम? ओ गुरुजी आप ना अपना हुक्म दे दो, फिर देखो आप, आपका चेला आपके लिए क्या करता है। ठीक है ठीक है, तुम्हें एक बच्चे की मदद करने किसी खास जगह जाना होगा। जगह? कौन सी जगह? कौन सा बच्चा? सब बताता हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। पहले आप। ये बच्चा तो वाकई बड़ा दुखी है। सच में इसने तो मुझको भी इमोशनल कर दिया है। तुम्हें आज ही वहां जाना होगा। किसी सहायता की आवश्यकता पड़े तो हनुमान जी को याद करना जी, क्योंकि मुझे लगता है ये राक्षस नुमा सांड वहां भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है चिंता की कोई बात नहीं है। जय हो बजरंगबली। ओ, ये छुटंकी किसी जगह पे जा रहा है। पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन ये बात पता नहीं किससे करता है। सूरज, सब ठीक तो होगा ना? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चंदा, आज तक सब कुछ ठीक ही हुआ है ना? और वैसे भी हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो सही करता है। हाँ, मगर... और तुम तो जानती हो हमने इतने साल इस टकले के साथ काम किया तो किसी कारण से ही किया ना, वरना मुझे कोई शौक नहीं इस टकले के साथ काम करने का। हाँ, लेकिन देखो ना ये बच्चा, क्या हम इसे छुड़ा नहीं सकते? हाँ हाँ। चंदा, तुम सब कुछ जानते हुए भी ये सब क्यों पूछ रही हो? एक बात कान खुल के सुन लो कि हमारे हाथ में नहीं है। और तुम्हें तो पता है कि उस टकला बाबा के पास न जाने कितनी जादुई शक्तियां हैं। हाँ, पर लेकिन सूरज। अरे हम... यार, मैंने कहा ना कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? सारे विलन्स की टोली यहीं पे जमा है। तब भी मैं सोचूं ये सांड मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। लगता है ये टकला बाबा इन सभी का मास्टर है जी। खैर कोई बात नहीं, उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए इन सब से टैकल तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ, ये क्या? ये आवाज कैसी? कुछ नहीं है बे, चलो। मर गए सबके सब। उस सांड को बुलाओ, क्या खबर लाए उस बच्चे की। आज अगर कोई भी खाली हाथ लौटा तो खैर नहीं किसी की। हाँ बाबा। अबे नमूने, फिर मुंह लटका के खड़ा हो गया। आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। बाबा नाराज क्यों होते हो? आज मेरा मुंह कहाँ लटका है? देखो। हाँ। इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। हमें तुम्हारे मुंह लटकाने से क्या लेना देना? बाबा खबर पूछ रहे हैं, वो बता। वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। जल्दी बको। बाबा हनुमान मंदिर के पास एक छुटंकी नाम का बच्चा है। मुझे शक है कि ये वही बच्चा तो नहीं जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। उसकी एज भी कुछ 7-8 साल के आसपास ही है। हाँ। शक है, शक है। अरे पागल समझा है क्या? दुनिया का हर 7-8 साल का बच्चा क्या वही होगा क्या? बाबा गुस्सा मत करो, उसकी सुन तो लो। इतने दिनों के बाद तो वो कोई खबर लाया है, शायद सच हो। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। ज्यादा शक तो मुझे इसलिए भी हुआ क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं और वो ना जाने मंदिर में और उसके बाहर किसके साथ बातें करता रहता है। कल तो वो किसी बच्चे को बचाने के लिए कहीं जाने की बात भी कर रहा था। हाँ। अबे इतनी कहानियां सुना रहा है तो उसे उठा के क्यों नहीं ले आया? हाँ। टकले बाबा, वो जगह में कुछ है। हमारी सारी शक्तियों की वाट लग जाती है। आप भी तो वहां नहीं जाते है ना? शट अप सांड। बाबा किसी से नहीं डरते। उस छुटंकी के बच्चे को किसी ना किसी तरह तो यहाँ लाना ही होगा। ओए टकले बाबा, ओ तुमने पुकारा और लो हम चले आए। लेकिन जो भी कहो, तुम्हारे ये सांड और ये क्रोकोडाइल ना है बड़े कमीने हैं जी। इतनी बार मार खा के मेरे सुधरते। खैर अब मैं आ गया हूँ ना, तो तू ना चुपचाप इस बच्चे को छोड़ दे। ठीक है, समझ गया? चुपचाप छोड़ दे इसको। तो तुम ही हो वो छुटंकी। अच्छा हुआ जो तुम खुद ब खुद चले आए। अब मुझे क्लोन फोर्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्लोन फोर्स? कैसे क्लोन फोर्स? टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है जल्दी कर लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। सही कह रही हो तुम। ओए टकले बाबा जी, ये माता जी क्या कह रही हैं आपके कान में? अरे हमें भी तो बताओ। माता जी, मैं? हाँ जी हाँ जी, आप ही की तारीफ कर रहा हूँ माता जी। टकला बाबा। सुरीली, आज मेरा सपना पूरा हो गया सुरीली। अब इस शक्तिशाली क्लोन फोर्स जिसे सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और अपनी दूसरी शक्तियों के दम पर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, पूरी दुनिया पर। अपनी रानी सुरीली के साथ टोकलू, भूल तो नहीं जाओगे ना? हाँ? पहले मुझे इस क्लोन फोर्स को टेस्ट करने दो सुरीली। अगर सब ठीक रहा तो मैं एक बहुत बड़ी क्लोन फोर्स बनाऊंगा। हाँ। क्लोन फोर्स उठ जाओ। तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। सूरज और चंदा यहीं पर पहरा देंगे। अरे ये सूरज और चंदा कहां मर गए? ए मगरमच्छ, तुम यहां पर ध्यान से पहरा दोगे और ख्याल रहे अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। ए सांड, तुम यहीं पर रुकोगे और सबका ख्याल रखोगे। बाबा हम भी साथ में चलते हैं। जी 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 टकले बाबा, आप चिंता ना करें, आप जाइए जाइए जाइए। क्लोन फोर्स आओ मेरे साथ। पीछे आओ। जी तो अबे सीधा खड़ा रहे। उसमें नहीं चली तो मुझे लगा दिया। तू ना सांड का सांड ही रहेगा। हाँ। चारों तरफ नजरें रख। संभल के। हाँ। आराम से, सामने सामने सामने। हाँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हाँ। मुझे लग रहा है ये टकला बाबा एक दिन मरवाएगा हमें। देखो पूरे। हाँ। चलो। हाँ चलो। ये क्या हो रहा है? अरे ये तो चलो। हाँ चलो देखते हैं। छुटंकी, अरे इसको क्या हो गया? छुटंकी 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 उठो। छुटंकी छुटंकी आंखें खोलो। छुटंकी जल्दी करो, कोई आ ना जाए। छुटंकी 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 उठो, होश में आओ। छुटंकी आंखें खोलो। आंखें खोलो छुटंकी, आंखें खोलो। छुटंकी उठो। अरे आप लोग कौन हो और मुझे क्या हो गया था? कहीं आप लोग टकला बाबा के आदमी, मेरा मतलब है आदमी और औरत तो नहीं हो? और यहाँ के बाकी सब लोग कहाँ चले गए हैं जी? किधर गए? इतने सवाल एक साथ सब बताते हैं। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए? ओ मैं तो इधर इस छोटे से बच्चे को बचाने आया था। देखो बेचारा कितने कष्ट में है। अब आप बताओ इस छोटे से बच्चे को उस टकले ने यहाँ लटका क्यों रखा है? छुटंकी ये बच्चा तुम हो। मैं? क्या क्या बात कर रहे हो? यानी कि तुम्हारा बचपन। आज से 8 साल पहले टकला बाबा ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए इसे यही कैद कर लिया था। मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारा मतलब है कि वो सामने भी मैं ही हूँ। तुम्हें पता नहीं छुटंकी, लेकिन ये टकला बाबा बहुत बड़ा शैतान है। उसके पास बहुत सी जादुई शक्ति है और वही तुम्हें यहाँ लाया था। उठा के लाया था? कहाँ से उठा के लाया था? अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, मम्मी पापा ने हमें इतना बताया था कि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ असाधारण शक्तियाँ छुपी है, जिनका यूज करके टकला बाबा क्लोन फोर्स बनाना चाहता था। क्लोन फोर्स? हाँ, और इसके मम्मी पापा उसे अपने इस घटिया प्लान में कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए जब टकला ने उन्हें तुम्हारी पहरेदारी के लिए रखा तो वो तुम्हें फौरन हनुमान मंदिर के पास छोड़ा है, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि टकला बाबा की शक्तियाँ वहाँ काम नहीं आती, बल्कि वो तो वहाँ जाने से भी घबराता है। लेकिन ये बच्चा, जब मम्मी पापा छुपते छुपाते तुम्हें लेकर जा रहे थे तो टकला बाबा की नजर उन पर पड़ गई। वो तुम्हें तो नहीं पा सके, लेकिन अपनी शक्तियों से तुम्हारे उस पल के बचपन को यहाँ कैद कर लिया। और जब मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर वापस आ रहे थे तो उसने उनको भी मार डाला। लेकिन तुम उसके साथ रहते हुए भी ये सब क्यों कर रहे हो? तुम भी तो उसी के लिए काम करते हो। हमें से नहीं है। इस टकले बाबा को गलतफहमी हो गई थी कि मुझ में जादुई शक्ति है जो वो यूज कर सकता है। उसने मुझे किडनैप करते वक्त मेरे सारे परिवार को खत्म कर डाला। हम ही नहीं, इन शक्तियों की भूख में न जाने हमारे जैसे और कितनों के घर उजाड़े हैं इस राक्षस ने। लेकिन हम बदला चाहते थे। हम बहुत छोटे थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे, इसलिए न चाहते हुए भी इसकी गुलामी सहते रहे और सही मौके की तलाश करते रहे। और इसकी हर कामयाबी की सीढ़ी को हम अंदर ही अंदर खोखला करते रहे ताकि यह हवन अपनी किसी भी घटिया चाल में कामयाब ना हो सके। तुम्हें काम करो, इससे पहले कि उसे पता चल जाए, जल्द से जल्द अपने बचपन को छू लो, क्योंकि तुम्हारे छूने से ही वो आजाद हो सकता है। ओए, चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। हनुमान जी और गुरु अखंड देव जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बचपन में बहुत क्यूट था। ओल में बड़ा होके कितना स्मार्ट हो गया हूँ। तो तुम भी अपने माँ बाप की तरह ही निकले। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। खैर, कोई बात नहीं, जो मुझे चाहिए था मिल गया। एक मेरी ये क्लोन फोर्स और दूसरा तुम्हें मारकर अपनी गलती सुधारने का मौका। क्लोन फोर्स अटैक। रुक सूरज, मैं देखता हूँ। मुझे होश में लाने वाला ये कौन था भाई? कौन है? क्या है? की क्लोन फोर्स। चिले 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 टकले की क्लोन ये ले। चुटंकी, ये क्लोन फोर्स ऐसे नहीं मारेगी। इसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम अपने बचपन को यानी कि छोटे चुटंकी को अपने अंदर संभालो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तुम्हारे बचपन से हुई थी। लेकिन मैं इसे कैसे? चुटंकी जल्दी करो चुटंकी, वैसे भी तुम दोनों एक ही तो हो और ये हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। जल्दी। ओए क्यूट चुटंकी, क्या बोलता है, आ जाए? ओए वाह चुटंकी भैया, आ जाओ। जय हो गुरुदेव। नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? सूरज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सांड, इस चुटंकी को पकड़ कर रखो। ख्याल रहे ये भागने न पाए। अभी देखता हूँ। तब तक मैं नहीं देखता हूँ। सूरज। के बच्चे देखता हूं। क्रोकोडाइल आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। तू बच नहीं सकती मुझसे। मोटी मोटी पकड़ जा। मुझे मार डालूंगी तुझे। पकड़ 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 जा। से मार डालूंगी मैं। रुक जा मोटी। मोटी कहती हूँ रुक जा। मोटी भाग। रुक जा। कहाँ गई? कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई ये चूहिया? तूने क्या सोचा? मुझसे खेलेगी तू? मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ ये ले छोड़ो। भागेगा ये ले। भागा है भागे। आजा 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 टकले बाबा तेरी बैंड बजाता हूँ हैं। सुरीली तुम ठीक तो हो? चलो। ओ नहीं हो मुझे करना मत। अरे मुझे क्यों काट रही हो? लगता है लाल कर दिया। अब सुबह जाने में भी तकलीफ होगी। क्वीन भी यानी कि रानी मक्खी को ढूंढना पड़ेगा। ये मिठा उस रानी मक्खी को सुंघा देता हूँ और उसे सही टारगेट भी दिखा देता हूँ। चलो जल्दी चलो। यहाँ से नहीं समझ गई। बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ ना सीधे से कर ले, वरना जाएगा अपने टकले और सुरीली के साथ। गुड बॉय चचा, शाबाश। अभी आता हूँ। हैं? छुटंकी ने बचा दिया। हाँ। पापा। हाँ। छुटंकी छुटंकी, तुम ठीक तो हो? छुटंकी, इस टकले बाबा की लंका को तबाह करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ठीक ठाक तो है ना? चलो जी, अच्छा हुआ भगवान जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। ये नटखट है, ये भोला है, पर बड़ी याद का गोला है। ओके जी, फिर मिलेंगे। लेट्स गुड आफ्टरनून और गुड नाइट हो जो भी है, आप तो बस एंजॉय। He's naughty, he's cutie, he's बड़ी फायर का गोला। He's naughty, he's cutie, he's बड़ी फायर का गोला दे। छुटंकी, छुटंकी, छुटंकी दौड़ा रे। हे छुटंकी, छुटंकी, छुटंकी दौड़ा रे। दौड़ा 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 दौड़ा। ये नटखट है, ये भोला है, पर बड़ी याद का गोला है। For more movies, subscribe to Movie Mania channel.